हेलो। चैप्टर को कंप्लीट करते हैं ना। वन और जो 2 पेजेस रह गए केवल, खत्म करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? बेसिकली टॉपिक का नाम क्या है? रिमूवल ऑफ हार्डनेस। रिमूवल ऑफ हार्डनेस एंड सर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट कैसे बनाए? सर, हार्डनेस को रिमूव करके या तो बगैर रिमूवल, उस हार्डनेस को रिमूव कैसे करोगे? हार्डनेस को रिमूव कैसे करोगे? तो यहाँ पर कुछ तरीके आपको बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं आपको? एक, दो, तीन, तीन तरीके कुछ बता रहे हैं, ठीक है। अब वो भी तीन तरीके कैसे हैं अगर आप ध्यान दोगे तो? हेडिंग्स जरा ध्यान दो। टेम्पररी हार्डनेस, कुछ टाइम पे हटानी है तो कुछ टाइम के लिए, तो क्या सर हमेशा के लिए नहीं हटा सकते क्या? हाँ, हमेशा के लिए हटा सकते। हमेशा को, हमेशा के लिए अगर हटाने हैं तो उसके अलग तरीके हैं, तो उसके अलग तरीके हैं। तो अपनी बुक में आप हेडिंग डाल लेना ए और बी, ये दो तरह से हेडिंग्स हैं, ठीक है। इस ए के अंदर 3 मेथड्स रख दिए हुए हैं और ये भी अलग है, ठीक है। कि टेम्प्ररी अगर आपको कुछ थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अगर आपको हार्डनेस हटानी है तब कैसे हटा सकते? तो पहला तरीका वो बता रहा है आपको, बॉइलिंग। सॉरी, बाय बॉइलिंग, बाय बॉइलिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन ऑफ, ओके, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज ड्रिवन ऑफ, ड्रिवन ऑफ एंड अ सॉल्युबल हाइड्रोजन कार्बन आर कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्युबल कार्बन एंड कुड बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन डिकेंटेशन। वो कह रहा है अगर आप बॉइल करते हो, अगर आप बॉइल करते हो हार्ड वाटर को, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो तो ड्रिवन हो जाएगा, वो तो उड़ जाएगा, वो तो अलग हो जाएगा, वो अलग हो गया, देखो अलग हो गया, ठीक है। फिर सॉल्यूबल होगा ना हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा, तो इनसॉल्यूबल कार्बोनेट से चेंज हो जाएगा, तो इनसॉल्यूबल कार्बोनेट से चेंज हो गया, ठीक है। अब वाटर लग, अब वाटर क्या होगा, वाटर प्योर वाटर क्या होगा, अलग हो गया, तो आपका सॉफ्ट वाटर बचेगा, तो एड कर वो लिखा, इट कुड बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन डिकंटेशन। तब आप उसको बॉयल, क्या बॉयल करने के बाद आप उससे अगर फिल्टर करते हो तो आप उसमें, उसमें से क्या कहते हैं, हार्डनेस को रिमूव कर पाओगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट आर कॉन्सेंट्रेटेड लीविंग द वाटर सॉफ्ट, ठीक है। दिस इज हाउ नॉट कॉन्सेंट्रेट द वाटर नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट द वाटर नीड टू बी सॉफ्टेड। वो क्या कह रहे हैं, अगर आपका थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा पानी अगर आपको सॉफ्ट करना है बहुत ज़्यादा, तो ये वाला तरीका लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला लार्ज क्वांटिटी का, अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर आपको वाटर को क्या करना है, सॉफ्ट करना है, पॉसिबल ये तरीका पॉसिबल नहीं है। तो तरीका क्या है, बाय एडिशन ऑफ लाइम, लाइम वाटर तरीका है। क्लास प्रोसेस नॉट श्योर, रिकॉर्डिंग हो रही है, नॉट श्योर बट आई थिंक मेरे को व्हाट्सएप क्लोज कर दिया था। नॉट श्योर बट आई थिंक क्लार्क प्रोसेस को इसलिए नाम दिया गया क्योंकि प्रोसेस के लिए क्लार्क नाम के साइंटिस्ट ने बताई है, ठीक है। आज तक मैंने कभी क्लार्क के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे आइडिया नहीं। हाँ नहीं, बुक में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ, बट जनरली अगर किसका नाम रखा था तो साइंटिस्ट होंगे, तो उनके नाम पर प्रोसेस रखी गई है। तो क्या अब मोर प्रैक्टिकल मेथड इज टू एड अ कैलकुलेटेड अ क्वांटिटी ऑफ स्लीट टू लाइम। वो कह रहा है सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो तरीका है, जब लार्ज क्वांटिटी वाले वाटर में डाल सकते हो, तो वो है कि आप उसमें क्या करो, सिलेक्टेड लाइम ऐड करो, सिलेक्टेड लाइम लाइम ऐड करो। कितना ऐड करना है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, वो थोड़ा सा आपको वहाँ पर मैथ्स लगानी पड़ेगी, ठीक है सर। क्या मैथ्स ये कैलकुलेशन हमें सिखाएंगे नहीं, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आपको कैलकुलेटेड क्वांटिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी। अब वो कैलकुलेशन कैसे होती है, कितनी होती है पता नहीं, ठीक है। फिर वो कह रहा है इस तरह से कुछ रिएक्शन इस तरह से टेक्स्ट टेक प्लेस होगा, जैसे आपका ये एलिमेंट है, इसमें आपने थोड़ा सा लाइम लाया, ये लाइम है, ठीक है आपका सिलेक्ट लाइम, जैसे आपने मिलाया तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया और हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर आपका अलग हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हमने किया तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया,
वाटर अलग से रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर तो हार्डनेस को रिमूव कर सकते हो, लाइम इज फर्स्ट थॉरली मिक्स विद वाटर, वो कह रहा है लाइम जो है लाइम उसको हम पहले क्या करेंगे, पूरा अच्छे से वाटर मिक्स कर लेंगे इन अ टैंक, यानी कि अब इस सबसे बड़े क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। एंड देन फेड इनटू अनदर टैंक, और बाद में उसको दूसरा टैंक में फिल कर देंगे कंटेनिंग द हार्ड वाटर, जिसके अंदर क्या होगा, हार्ड वाटर होगा, ठीक है। रिवॉल्विंग पैडल थोरोली मिक्स द टू सॉल्ट्स, वो कह रहा है अरे पैडल्स लिखा हुआ है, वो एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप कैसे उन टैंक्स के अंदर का जो पानी है क्या करो, मिक्स करो, ठीक है, उन सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट सेटल्स डाउन, सारा तो 90% 99% 99% जो कैल्शियम कार्बोनेट है एंड जो हार्डनेस है वो पानी के नीचे अलग रह जाएगी, ठीक है। इधर इधर इज सॉलिड लेफ्ट ओवर, इट इज रिमूव बाय फिल्टर, और जो रिमेनिंग रह जाएगी वो फिल्टरेशन के टाइम पे अलग हो जाएगी, ठीक है। दिस प्रोसेस गोज बाय द नेम ऑफ क्लार्क क्लार्क प्रोसेस, वो किस प्रोसेस को बेसिकली क्लार्क प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, गोज बाय द नेम मतलब होता है नाम से जाना जाता है, गोज बाय द नेम फ्रेज है बेसिकली इसका, आप चाहते हैं मीनिंग लिख सकते हो, नाम से जाना जाता है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, उसको ये बोल सकते हो, गोज बाय नेम मतलब बट इज कॉल्ड 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 है ना, कॉल्ड CALED नाम से जाना जाता है, बाय द एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा। थर्ड मेथड करें कि वॉशिंग सोडा मिलाकर देखो, वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट आपको मिला के देखना होगा, वो कह रहा है वैन वॉशिंग सोडा और या फिर उसको सोडा एस कहो या फिर फैनी हेड सोडियम कार्बोनेट कहो, बात एक ही है, अगर उसको ऐड करते हो हार्ड वाटर में द करस्पॉन्डिंग इन सोल्यूबल कार्बोनेट सेटल डाउन, तो जो इन सोल्यूबल कार्बोनेट होगा वो नीचे अलग हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, एंड उसके उसको कैन भी रिमूव द फिल्ट्रेशन से, आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू अलग कर सकते हो, ठीक है, ईजी था ये। लेकिन ये जो सब सारे तरीके से कहते हैं रिमूवल या टेम्पररी, ये कुछ टाइम के लिए थे कि इससे कुछ टाइम के लिए आपकी हार्डनेस अलग होती है, हमेशा के लिए आपको हार्डनेस अलग करनी है तो हमेशा के लिए क्या है, तो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इट इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड क्वांटिटी ऑफ सोडा एस, यानी कि उसमें कैलकुलेटेड क्वांटिटी डालनी पड़ेगी मैं सोडा एस की, यानी ऊपर वाले सोडियम कार्बोनेट की, व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, और इस तरह से फिर उससे ये रिएक्शन टेक प्लेस होगा, ठीक है। इफ वो हावेवर सम मैग्नीशियम सल्फेट, इफ वो हावेवर सम मैग्नीशियम सल्फेट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वाटर, अगर सॉल्यूशन में आपको मैग्नीशियम सल्फेट भी है तो क्या करना पड़ेगा, लाइम ऑल्सो हैज टू बी यूज्ड, अच्छा, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है तो वॉशिंग सोडा से काम चल जाएगा, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो आपको लाइम ऐड भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, टू बी यूज्ड बिसाइड द सोडा, ठीक है, ऐसे क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है क्योंकि परसिपिटेटेड, क्योंकि उसकी वजह से सोडा ऐसा अकेला सफिशेंट नहीं है कि वो मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटा दे, तो उसके लिए मैं लाइम भी डालना पड़ेगा, ठीक है, और उस केस में क्या होगा, जिसके अंदर रिएक्शन दूंगी उस केस में ये रिएक्शन होगा, ठीक है। नोट द अबव मेथड आर सूटेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस ओनली, देयर इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर हैड टू बी ट्रीटेड, वो कह रहे हैं ऊपर जो तरीके पढ़े हैं हमने ये डोमेस्टिक पर्पज में आप यूज़ कर सकते हो, डोमेस्टिक पर्पज में मतलब घरों में थोड़ा कंपाउंड हीटिंग वाटर होता है, आप बाहर देखो इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में तो बहुत लार्ज अमाउंट टफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पर काम होता है, उस केस में अभी वाला तरीका नहीं लगा सकते, ठीक है, क्या लगा सकते हैं वहाँ पे वो नहीं बताया यहाँ पे, वापस ये उसको पार्ट मिल गया, फिर क्या कह रहा है, इफ वो हार्डनेस इज बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट, सो कुछ सब्सटेंस ऐसा है, कुछ सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर दो सब्सटेंस है, यानी दो उसके अंदर ऐसे मटेरियल है कि जिसकी वजह से पानी परमानेंटली तो हार्ड रहेगा लेकिन कुछ टाइम के लिए हार्ड हो जाता है, तो अगर ऐसे दोनों तरह के मेटल हैं तो उससे टाइप दोनों तरह के सब्सटेंस को ऐसे रिमूव किया जाए, तो दोनों तरह के प्रोसेस लगा देते हैं, एक बार टेम्परेरी वाला लगा देते हैं, एक बार परमानेंट, टेम्परेरी वाले से टेम्परेरी वाला निकल जाएगा हार्ड, और हार्ड से और परमानेंट से परमानेंट वाला, क्या हम ऐसा करेंगे, तरीका तो अब अच्छा है, पर पढ़ते ही के लिए फोन इन सच अगेंस्ट पर्टिकुलर इवन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर कंसर्न द परमुटेटिव प्रोसेस यूज, वो कह रहे हैं जो लार्ज अमाउंट अगर वाटर इस बारे में कंसर्न, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की अगर बात कर रहे हैं तो स्पेशली उसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पानी है तो हम उसके लिए परम्यूटेड प्रोसेस से यूज़ करेंगे, जैसे परम्यूटेड प्रोसेस क्या होता है नीचे देखते हैं, परम्यूटेड प्रोसेस क्या होता है नीचे देखते हैं, तो कह रहे हैं परम्यूटेड इज एन आर्टिफिशियल जियोलाइट,
एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है केमिकली, अब वो कह रहा है केमिकल की लेंथ, केमिकल की लेंथ होता है केमिकल की लेंथ होता है, सो इट इज हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट, यानी कि हाइड्रेटेड सूखा हुआ सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थो सिलिकेट से बना हुआ एक सब्सटेंस है, हैविंग द फॉर्मूला इज दिस। सो हाइड्रेटेड के लिए H2O आ गया, सोडियम के लिए Na2 आ गया, एल्यूमिनियम के लिए Al आ गया, ऑर्थो के लिए O8 आ गया, सिलिकेट के लिए Si आ गया, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस लेट अस गिव इट द फॉर्मूला Na2P। वो कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हमें बस समझ लेते हैं तो बड़ा फॉर्मूले का बार बार नहीं ले पाएंगे, तो इसको Na2P बोल दो शॉर्ट में, ठीक है। अभी अगर भी हम Na2P बोलेंगे तो Na2P से मतलब इनका क्या है, ये है बार बार, है ना। लेट सपोज टॉल सिलेंडर इज यूजली फिल्ड विद लंप्स ऑफ परम्यूटेटर, दो सेकंड रुक बेटा मैं पानी पी लूं, एक बार आपके पूरा पैराग्राफ पढ़ लो जरा, है ना। तो जरा पढ़ते हैं जरा, अ टॉल सिलेंडर इज लूजली फिल्ड विद लंप्स ऑफ परम्यूटेटर। वो कह रहा है जब एक लंबे सिलेंडर को जो कि बहुत लूजली फिल्ड होता है, जो कि लूजली फिल्ड होता है यानी आधा फिल्ड होता है, जिसके अंदर फिल्ड किससे होता है, फिल्ड विद लंप्स ऑफ परम्यूटेटर, जो बहुत सारे परम्यूटेट से भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें तो उसमें क्या कह रहा है, व्हेन हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस परकुलेट्स थ्रू दिस लंप्स, तो वो कह रहा है जब बहुत सारा हार्ड वाटर, जो ऐसा हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस हैं, वो परकुलेट करता है थ्रू दिस लंप्स, वो इन लंप्स के थ्रू होकर जाता है, इन लंप्स के थ्रू होते हुए जाता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, तो आयंस चेंज हो जाते हैं, आयंस हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, द सोडियम परमिटेड इज स्लोली चेंज इंटू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परमिटेड। वो कह रहे हैं सोडियम वाला कैल्शियम से कैल्शियम मैग्नीशियम में चेंज हो जाता है, एंड विद द रिमूवल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, और उसके अंदर से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हट जाते हैं, और वाटर बिकम सॉफ्ट, वाटर बिकम से सॉफ्ट वेन नो लॉन्गर एक्टिव। तो कह रहे हैं जब ये चीज़ ज़्यादा देर तक लॉन्ग एक्टिव नहीं होती है तो क्या होता है, द परमिटेड इज रीजनरेटेड बाई रनिंग कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्लाइंड ओवर हीटर रिमूविंग द कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मिंग द फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड प्रोसेस। ओहो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक एक्टिव नहीं रहती है ना, तो जो परमिटेड होता है उसको हम रीजनरेट करते हैं, रीजनरेट करते हैं बाय रनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ब्रांड, हम ब्रांड का एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन द्वारा से बनाते हैं ओवर इट एंड रिमूविंग द कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म्ड बाय रिपीटेड वॉशिंग। अब बार बार जो रिपीट कर बार बार जो वॉश कर करके कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, हम उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं ब्रांड के सॉल्यूशन से, ठीक है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया CaP2NaCl Na2PCl2। नोट द जियोलाइट इज नेचुरली फॉर्म्ड मिनरल फॉर्म, नेचुरली फॉर्म्ड मिनरल फाउंड इन अबंडेंस इन लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ वोल्केनिक टफ। वो कह रहा है इसके लिए जो जियोलाइट जो है ना, जियोलाइट ये एक नेचुरली फॉर्म्ड मिनरल है, नेचुरली फॉर्म्ड मतलब मिनरल है, इंसान ने बनाया, ये नेचर नेचर ने अपने बनाया है, ठीक है। और जो कहाँ पर फाउंड होता है, फाउंड इन अबंडेंस, जो बहुत ज़्यादा मिलता है, कहाँ पे फाउंड इन अबंडेंस लार्ज डिपॉजिट्स,
बड़े बड़े डिपॉजिट्स में मिलता है वोल्केनो के, जहाँ पे वोल्केनो का टफ डिपॉजिट हो जाता है ऐसी जगहों पर ये ज्वेलट बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा दे कैन इजिली बट रेड बहुत इजिली सूख जाते हैं, सो कैन यूज फॉर आयरन एक्सचेंज, इनको आप आयरन एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। हाँ भाई नेक्स्ट टॉपिक लेसेंस का मीनिंग पता है, लेसेंस का बताया तो मालूम नहीं थे मैंने, से मतलब मैंने लास्ट वीडियो आई थी हमारी इसमें आपको बताया था। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग नहीं बोला यहाँ पर भी साइलेंट है ना, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर यूज इन आयरन एक्सचेंज लेसेंस, वो कहना हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करें वो भी कैसे यूज आयरन एक्सचेंज लेसेंस, आयन्स को एक्सचेंज करके, आयन्स को एक्सचेंज करके सर लेसेंस का मीनिंग समझ में नहीं आया। लेसेंस का मीनिंग मैं आपको बताना चाहूँ आप लोग कैसे सकते हैं, बहुत सारा लिख लो इस पास साल पर बहुत सारा घना, ठीक है घना लिख लेना इसको भी अलग ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट है। वो कह रहे हैं फॉर लॉयल ट्रीज और बॉयलर्स वाटर सॉफ्टन्ड बाय द परमिनेंट प्रोसेस कॉल्ड सेडिसेट, वो कह रहे हैं लॉन्ड्री पर्पज के लिए बॉयलर पर्पज के लिए अगर आपको वाटर सॉफ्ट करना है तो परमिनेंट प्रोसेस क्या है काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री, काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री से कम हो जाएगा, बट साइंटिफिक पर्पजेस, साइंटिफिक पर्पजेस के लिए एंटर सल्फेट आयन से नॉट डिजायरेबल, सल्फेट आयन से डिजायरेबल नहीं है, तो रिमूव दिस आयन से, तो रिमूव दिस आयन से वाटर इज पास्ड, वाटर इज पास्ड थ्रू सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड केसन, प्रिपेयर्ड केसन, केसन वगैरह पता है ना पॉजिटिव आयन को बोलते हैं, एन एन नेगेटिव आयन को बोलते तो वो दिखाओ, तो रिमूव दिस आयन से इन आयन्स को रिमूव करने के लिए वाटर इज पास्ड थ्रू सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड केसन, तो वाटर को हम कहाँ से लेके जाते हैं, हम उसको पॉजिटिव आयन्स की तरफ से लेके जाते हैं ताकि उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाए एंड एन एन एक्सेस बन रहेगा, और ताकि उसके अंदर एक और माइनस रहे तो प्लस से माइनस, प्लस माइनस आ रहा कैंसिल हो जाएंगे, दस द सोडियम आयन्स आर रिप्लेस्ड बाय एच प्लस, एच प्लस से इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो जरा मेरे को एग्जाम्पल ले लेना आपको जरा देखता हूँ कि एग्जाम्पल मैं बिना कारण नहीं बना पा रहा हूँ। फॉर साइंटिफिक पब्लिक इवन फॉर इवन द प्राइस ऑफ पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव बाय कैलकुलेटर एंड सल्फर आयन से इसे नोट दिया जाएगा, देखो समझ जाता क्या कह रहा है इसके लिए, कैसे काम है आपको साइड है अगर सामने फ्रेंड्स की पॉजिटिव फोरम है नेगेटिव बायो कार्बोनेट एंड बायो कार्बोनेट सल्फेट है आयन का जैसे उधर लगा दिया तो बेसिकली क्या कह रहा है वो कि साइंटिफिक पर्पज की बात की है या फिर हम ऐसे केस में बात किए जहाँ पर पॉजिटिव सोडियम आयन है नेगेटिव बाय कार्बोनेट है या सल्फेट आयन है, तो ऐसे केस में ये जो प्रोसेस है ना ऊपर वाली पर्मिटेड प्रोसेस से डिजाइनेबल नहीं, तो ऐसे केस में आपको कैसे क्या करोगे, ऐसे केस में आप आयन्स कैसे हटाओगे तो उसे तो रिमूव दिस आयन्स, ऐसे ऐसे तरह के आयन्स को हटाने के लिए क्या करोगे, वाटर इज पास थ्रू सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड कैसे, एक ऐसे तरह से वाटर पास होगा जहाँ पे क्या पॉजिटिव आयन्स है ठीक है आयन्स, और जहाँ पे कैसे नेगेटिव आयन्स है ना नेगेटिव आंसर एक्सचेंज रेसेंस से बन जाएगा, वहाँ पर जाकर वो अपने सिम्बल्स एक एक करके चेंज कर लेंगे, सोडियम आयन से रिप्लेस टू एच प्लस आयन से, तो सोडियम आयन होगा वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा एंड एच एफ सी ओ थ्री है ना एंड एच ओ टू आयन से ओ एच, एच सी ओ थ्री माइनस का है और एच ओ टू माइनस का है आयन को उसको ओ एच माइनस से नेगेटिव आयन से क्या करते हैं रिप्लेस कर देंगे एंड द वाटर गेट कम्प्लीटली डीआयनाइज्ड। मैं आपको एग्जांपल नहीं बन रहा मेरे को एक क्वेश्चन होता तो मैं और समझा देता, इसका से डिलीट कर लेना कोई दिक्कत नहीं है ठीक है।
एक्सेंट द क्वेश्चन व्हाट इज नोटिस जो व्हेन परमानेंट हार्ड व्हाट इज स्टेटेड विद आपसे इजीली हो जाएगा आपका व्हाट इज परमिटेड मेथड ये लिख दोगे पूरा होता हाउ इट कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर ये भी इजीली आप लिख दोगे आपको चैप्टर कंप्लीट है ठीक है।